अब हम चलते हैं दूसरे अध्याय की तरफ। देवराज को शिवलोक की प्राप्ति, चंचुला का संसार से वैराग्य। श्री सोनक जी ने कहा, आप धन्य हैं। सूत जी, आप परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने हम पर कृपा करके यह अद्भुत और दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का और कोई साधन नहीं है। आपकी कृपा से यह बात हमने समझ ली है। सूत जी, इस कथा के द्वारा कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताकर इस जगत को मुने। सूत जी बोले, जो मनुष्य पाप, दुराचार तथा काम, क्रोध, मद, लोभ में निरंतर डूबे रहते हैं, वे भी शिव पुराण पढ़ने अथवा सुनने से शुद्ध हो जाते हैं तथा उनके पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, देवराज ब्राह्मण की कथा। बहुत पहले की बात है, किरातों के नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ज्ञान में दुर्बल, गरीब, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या नहीं करता था तथा उसमें वैश्यवृत्ति बढ़ती ही जा रही थी। वह भक्तों को ठगता था। उसने अनेक मनुष्यों को मारकर उन सब का धन हड़प लिया था। उस पापी ने थोड़ा सा भी धन धर्म के काम में नहीं लगाया था। वह वैश्यगामी तथा आचार भ्रष्ट था। एक दिन वह घूमता हुआ देवयोग से प्रतिष्ठानुपुर झूसी प्रयाग जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज वहीं ठहर गया। वहां रात में उसे ज्वर आ गया और उसे बड़ी पीड़ा होने लगी। वहीं एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा देवराज भी ब्राह्मण के मुख से शिव कथा को निरंतर सुनता रहता था। एक मास के बाद देवराज ज्वर से पीड़ित अवस्था में ही चल बसा। यम के दूत उसे बांधकर यमपुरी ले गए। तभी वहां शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। वे कर्पूर के समान उज्जवल थे। उनके हाथ में त्रिशूल, संपूर्ण शरीर पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने यमराज के दूतों को मार पीट कर देवराज को यमदूतों के चंगुल से छुड़ा लिया और वे उसे अपने अद्भुत विमान में बिठाकर जब कैलाश पर्वत पर ले जाने लगे तो यमपुरी में कोलाहल मच गया, जिसे सुनकर यमराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले इन दूतों का धर्मराज ने विधिपूर्वक पूजन कर ज्ञान दृष्टि से सारा मामला जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के दूतों से कोई बात नहीं पूछी। तत्पश्चात शिव दूत देवराज को कैलाश ले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण को करुणावतार भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया। सोनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। आपके कृपा प्रसाद से मैं कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन आनंदित हो गया है। अतो भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली दूसरी कथा भी कहिए। अगर आप सभी को हमारा यह छोटा सा प्रयास पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। और आप सभी को हमारा यह छोटा सा प्रयास कैसा लगा, एक बार हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।